अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी हिना, हिनास लाइफ स्टाइल। अच्छा जी, आज का नया व्लॉग है। कल मैंने इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की व्लॉग। अभी मैं तैयार हुई हूँ और मुझे ना बहुत शौक था लाहौर में ना दादा दरबार जाने का, तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ, दादा दरबार जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ व्लॉग बना देती हूँ, व्लॉग शेयर करती हूँ। तो मैं भी रेडी हुई हूँ। तो समझ नहीं आया था, कोई सिंपल ड्रेस ही नहीं था मेरे पास। ये सबसे जो मैंने अभी ये पहना है सबसे लाइट में है, वरना मैं अलमारी खुली हुई है, मेरे सारे हैवी ड्रेस सामने और कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लॉन के मेरे ज़्यादा हैं, सिंपल भी हैं, लेकिन बाकी जो सर्दियों के ना तो वो हैवी है मेरे पास, इतने कोई हल्के नहीं है। तो खैर ये मिला है अभी, और इसका दुपट्टा नहीं है। तो अब मैं स्टॉलर, अच्छा मोमेंट, अभी मैं स्टॉलर मैंने निकाला, मैं ढूंढ रही थी स्टॉलर वगैरह जो मैं पहनने के लिए ना, सर पे पहनने के लिए। तो मैं कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, फिर साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सिंपल सा हल्का सा मेकअप किया है, क्योंकि अब ऐसे भी नहीं जा सकते कि लोग डर जाए। तो खैर मोमिन ये अभी यहाँ पे देखे, मोमिन यहाँ पे घूम रहे हैं, गंदा मंदा ये सारा कमरा बिखरा हुआ है। कैरियर मैंने मोमिन का निकाला है, ये देखें अलमारी वैसी खुली हुई थी। इस बदतमीज़ ने मोमिन ने ना पूरी अलमारी खोल दी ना, कि वहाँ बैठ गया था। तो अभी मैं इसको तैयार करती हूँ, उसके कपड़े वगैरह मैंने निकाले हैं, इसको भी पहनाती हूँ, और फिर ना बस थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी काफ़ी लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि आप डाइट वगैरह क्या कर रही हैं, काफ़ी कम हुई हुई है पहले से। तो हाँ हुई हुई हूँ बहुत ज़्यादा, तो करूँगी शेयर आप लोगों को, आप लोगों ने साथ साथ रहना है, आप लोगों को शेयर करूँगी। अभी कमरा भी सारा बिखरा हुआ तो इग्नोर करिएगा। तो चले फिर मोमिन को रेडी करती हूँ, निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्टॉलर पहन लिया है, जैकेट वगैरह पहन ली है, ठंड अभी भी है, मतलब इतनी नहीं है, बिल्कुल ही कम हो गई है। और मोमिन भी यहाँ पे रेडी है, डैडी भी यहाँ पे रेडी है मोमिन के। हसन कैसे हो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप किधर घूमो, व्लॉग्स में क्यों नहीं आते? यार बहुत बिजी रूटीन है, बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, बाकी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन यार बहुत बिजी हूँ। वेल फ्री होता हूँ तो इंशाल्लाह ताला फिर डेली बेसिस पे आऊँगा। ओके, और ये देख सकते हैं आप मुझे। चलें जी हम लोग जा रहे हैं, और बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे आप पहुँच गए दादा दरबार, और मोमिन को देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। आप लोगों को पता है यहाँ जैसे पहुँचे 2 मिनट के लिए यहाँ पे बारिश हुई है, इतनी तेज़, और ये देख सकते हैं आप सारा गीला हुआ है, और 2 मिनट बाद बारिश रुक गई जब हम अंदर आए। बस 2 मिनट भी नहीं, एक कोई मिनट होगा या 10 सेकेंड, मतलब बहुत कम, लेकिन इतनी तेज़ हुई है और बस फिर रुक गई। तो अब चलते हैं अंदर। Thank you.
अच्छा जी, बस यहाँ पे आके यासीन वगैरह पढ़ी है और अब हम मोमिन को चला कर घर लेके जा रहे हैं और अब घर जा रही हूँ मैं, तो बस घर जाके जो है मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा काका कैसे दुदुबीला है, ये तो एक साल से ऊपर हो गया है, एक साल दो दिन का हो गया है, और ये ऐसे तो तू पिएगा गोदी में लेट के, छोटा सा काका बन के, छोटा सा काका। मोमिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो जान, ठीक हो, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं व्लॉग को एंड करने वाली हूँ क्योंकि इतना कुछ ख़ास था नहीं मेरे पास, तो बस यही व्लॉग था आज का। अब जो है कल के व्लॉग में मैं आप लोग को सोफ़े दिखाऊंगी, सोफ़े बन गए ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद जो है शिफ्टिंग दिखाऊंगी घर की, वो सारा व्लॉग जो है कल से कंटिन्यू होगा, तो आप लोगों ने साथ साथ रहना है। अल्लाह हाफिज़।